सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है उन यूजर्स के लिए जो कि एक अच्छा और तगड़ा 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 4 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में आपको सभी के सभी फोन 5G मिलने वाले हैं। और तो और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कोई तगड़ा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कौन से स्मार्टफोन के लिए क्यों जाना चाहिए। तो भाई, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। और गाइज, आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर सभी स्मार्टफोन्स को रैंक किया हुआ ओवरऑल फीचर वाइज। तो बात कर लेते हैं नंबर 4 की। तो भाई, अगर आप यहाँ पर एक स्टाइलिश स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छी मिले और 5G का सपोर्ट हो, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं Realme का 9i 5G। तो गाइस, अगर हम बात करें इस फोन की, तो ये स्मार्टफोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है जहाँ पर बिल्ड क्वालिटी तो काफी अच्छी दी गई है, साथ में डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलता है। वहीं पर अगर हम कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर ले, तो भाई यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, 3.5mm का जैक दिया गया है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं और दोस्तों ट्रिपल कार्ड का स्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसका मतलब कि आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 बेस्ड Realme के UI 3.0 पर, तो ये काफी अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल, बट याद रहे कि आपको यहाँ पर वीनॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही में आपको यहाँ पर पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और अप टू 600 नीट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वाइट वाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाता है, तो ऑनलाइन कंटेंट वगैरह भी आप यहाँ पर स्ट्रीम कर पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। गेमिंग के लिए 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो भाई, डिस्प्ले क्वालिटी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी दी गई, डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास के बारे में। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। और सेल्फी की बात करें गाइस, तो 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। तो भाई, कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको ओके टाइप का मिलने वाला है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो मेन कैमरा से आपको आउटपुट भी अच्छे मिल जाएंगे। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की गाइस, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। कैमरा मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज है। रही बात दोस्तों फोन की परफॉर्मेंस की, तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 810 का चिपसेट और दोस्तों ये चिपसेट आता है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर। हालांकि 1.5 साल पहले का लॉन्च है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे इसे काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर लिया गया, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है। चाहे डेली टास्क हो चाहे गेमिंग हो दोस्तों, आप यहाँ पर दोनों ही काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको मिल जाएगा, LPDDR4X की रैम लगी हुई है, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी निकाल कर देता है डेली टास्क गेमिंग, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऐप लोडिंग परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आती। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और भाई चिपसेट के हिसाब से आपको यहाँ पर मीडियम यूजेज पर एक दिन का बैकअप काफ़ी आराम से निकाल कर देती है। साथ ही में 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। बैटरी मॉड्यूल अच्छा दिया गया है, बस थोड़ी सी और अच्छी फास्ट चार्जिंग होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। सो गाइस, यार इस फोन की खास बात यही है कि स्मार्टफोन का डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, अच्छे खासे 5G बैंड दिया गया और परफॉर्मेंस में भी आपको कोई शिकायत नहीं आती है। सो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14,999 रुपये। और हाँ भाई, सभी के जो बेस्ट फाइलिंग्स है यार, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, हमारा जो अगला फ़ोन है, यहाँ पर आपको डिज़ाइन तो अच्छी मिलती है, साथ में परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। और तो और गाइस, अगर आप यहाँ पर थोड़े मोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स चाहते हैं, तो भाई आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन है रेडमी का Note 11T 5G। शुरू करते हैं फ़ोन की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। फ़ोन आपको यहाँ पर TUV रिनलैंड सर्टिफाइड मिलने वाला है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आने वाली है। हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। रही बात फोन की डिज़ाइन की, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ाइन वाइज ये स्मार्टफोन आपको कितना अच्छा दिया गया है। फोन के कुछ अदर फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm का जैक दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये फोन आता है ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में, तो ऑडियो भी आपको यहाँ पर अच्छी और लाउड मिल जाएगी, तो इस मामले में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रही बात कार्ड स्लॉट की, तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड स्लॉट दिया गया है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर 1 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं।
यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन रन करता है एंड्रॉइड 11 के MIUI 12.5 पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द आपको यहाँ पर MIUI 13 भी मिल जाएगा, तो फोन का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ये आपको काफी अच्छा मिल जाता है। हालांकि थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह होते हैं, लेकिन आप इन्हें अनइंस्टॉल कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर के मामले में भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए अब जान लेते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल के साथ में, और आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और फोन को आउटडोर में इस्तेमाल करने के लिए आपको 450 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको कोई खास शिकायत नहीं आने वाली। और गेमिंग वगैरह के लिए आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज तक की टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है। ओवरऑल देखा जाए तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है। चलिए अब जानते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो इस फोन के बैक में लगे हुए हैं दो कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको दिया गया 50 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। और सामने की तरफ आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। वैसे दोस्तों यहां पर कैमरा सेटअप तो काफी अच्छा है, फालतू के कोई सेंसर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन का कैमरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो आपको यहां पर इमेजेस उतनी अच्छी नहीं मिलती। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है 30 fps तक फ्रंट कैमरा से, और 60 fps तक आप बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस फोन का कैमरा आपको यहाँ पर एवरेज टाइप का मिल जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते थे तो आप स्मार्टफोन को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। रही बात दोस्तों फोन की परफॉर्मेंस की, तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek Dimensity 810 का 5G चिपसेट। जैसा कि मैंने आपको बोला था परफॉर्मेंस वाइज फोन काफी अच्छा है, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देता है। 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह भी काफी कम मिलती है और फोन की बैटरी बैकअप भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर फोन के डे टू डे परफॉर्मेंस की बात करें तो आप यहाँ पर इजीली मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पर आपको शिकायत नहीं आने वाली है। गेमिंग की बात कर ले तो आपको यहाँ पर लगभग 3.5 लाख के आसपास के अंततः स्कोर मिल जाते हैं, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे स्कोर हैं। तो दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में आपको फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और साथ ही में फोन के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज लगी हुई है, तो आपको यहाँ पर रीड और राइट की स्पीड तो अच्छी मिलती ही है, साथ ही में आपको यहाँ पर ऐप लोडिंग टाइम भी फास्ट मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। और हाँ फ्रेंड्स, फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से दे देती है। और दोस्तों ये फोन सपोर्ट करता है 33 वॉट की चार्जिंग को, 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो फोन का बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है। सो बेसिकली यार, अगर आप यहाँ पर रेडमी की तरफ से कोई अच्छा 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, थोड़े एडवांस फीचर के साथ में, थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस के साथ में, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, 8GB रैम 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको देने पड़ेंगे 17,000 रुपये, लेकिन दोस्तों अगर बैंक ऑफर्स लगाए जाएं तो आपको यहां पर अप टू 2000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद आप स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये की प्राइस पर चेकआउट कर सकते हैं। और भाई हमारा जो अगला फोन है यार, ये उन यूजर्स के लिए बहुत ही खास होगा जिन्हें नॉन चाइनीज फोन लेना है, तगड़े 5G बैंड चाहिए, तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, और तो और भाई कुछ एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी चाहिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी F23 5G। लिए शुरू करते हैं फोन के कैमरा से। बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग मिलने वाली है, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, और दोस्तों यहाँ पर भी आपको F1.8 का अपर्चर मिलता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिलेगा, और सामने की तरफ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप दोस्तों फोन का यहाँ पर थोड़ा सा बेटर आपको मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही में आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों सिंगल टेक जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट फोटोज एक ही क्लिक पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर HDR एक्सपोजर और सैचुरेशन वगैरह भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपको डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी मिलती है, काफी डिटेल रहती है, तो वहां पर आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बैक कैमरा से अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है अप टू 30 fps। सो भाई देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है, आपको यहाँ पर कंप्लीट सेटअप मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर एक कंटेंट क्रिएटर भी है भाई, तो आपको यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग काफी अच्छी मिल रही है, ओवरऑल आपको यहाँ पर कैमरा से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें कुछ अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और साथ ही ट्रिपल कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर आएगा, जहाँ पर आपको मिलता है 1UI 4.1, तो सॉफ्टवेयर भी काफी अच्छा है। साथ में आपको यहाँ पर सैमसंग की ऑफिशियल नॉक्स सिक्योरिटी भी मिलती है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन फीचर्स की। तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक TFT LCD पैनल, साथ ही में अप टू 700 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, और 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाती है। हालांकि TFT पैनल है दोस्तों, लेकिन डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी।
बात करें परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो फोन के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 750G का चिपसेट और ये चिपसेट बना हुआ है 8nm पर, लेकिन आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देता है। डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती है, आप यहाँ पर हैवी गेमिंग वगैरह भी काफी इजीली कर पाते हैं। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। बात कर ले पावर हाउस की दोस्तों, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी और 25 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एडेप्टर नहीं मिलेगा, इस बात को आप बिल्कुल भी ख्याल में रखिएगा। तो भाई बैकअप तो आपको अच्छा निकाल कर देगा, लेकिन आपको यहाँ पर एडेप्टर को अलग से परचेस करना पड़ेगा, इस बात को आप ख्याल में रखिएगा। तो गाइस सर, इस फोन के अंदर आपको डिस्प्ले छोड़ करके बाकी सारे फीचर्स काफी अच्छे मिलते हैं, तो अगर आप एक नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते हैं, सिक्योरिटी अच्छी चाहिए, अच्छे कैमरास, अच्छी परफॉर्मेंस और तो और एक ट्रू 5G स्मार्टफोन लेने में इंटरेस्टेड है, तो आप इस फोन की तरफ जरूर देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे लगभग 15,000 रुपए। इस प्राइस पर सैमसंग की तरफ से एक बेस्ट फोन है, तो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। और गाइज इस लिस्ट का जो हमारा आखिरी फोन है, ये उन्हीं यूजर्स के लिए है जिन्हें 5G के साथ में तगड़ी गेमिंग करनी हो। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं Vivo का T1 5G। तो चलिए शुरू करते हैं फोन के कैमरा से। गाइस बैक साइड में आपको यहां पर ट्रिपल कैमरास मिलने वाले, जहां पर मेन कैमरा लगा होगा 50MP का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में, साथ ही में 2 का मैक्रो, 2MP का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है और सामने की तरफ आपको मिलता है 16MP का सेल्फी स्नैपर। कैमरास दोस्तों फोन के यहाँ पर अच्छे परफॉर्म करते हैं, डे लाइट वगैरह में आपको यहाँ पर HDR, एक्सपोजर और सेचुरेशन वगैरह भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर AI फीचर भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, तो आपको यहाँ पर थोड़े से बूस्टेड कलर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे अगर आपको ज़रूरत होगी तो। और दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा से आउटपुट काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। रही बात दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग की, सो आप यहाँ पर भी मैक्सिमम फुल HD की ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30fps फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा बूस्टेड कलर्स चाहिए होंगे, तो आप iQOO के Z6 5G के साथ में जा सकते हैं। हालांकि दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ी सी आपको यहाँ पर ट्यूनिंग चेंज देखने को मिलेगी, वहाँ पर थोड़े से आपको एडवांस बूस्टेड कलर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर आई प्लीजिंग या फिर यू कहें कि सैचुरेटेड फोटोज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप यहाँ पर iQOO के Z6 5G की तरफ भी देख सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों फोन के कैमरास काफ़ी अच्छे हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं फोन के अदर फीचर्स की। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm का जैक भी दिया गया है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है जहाँ पर आपको ऑडियो भी अच्छी मिलती है, साथ ही में आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात दोस्तों यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, जहाँ पर आपको मिलता है फनटच OS 12। भाई सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह के साथ में आता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन फीचर्स की। दोस्तों इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस की एक IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहां पर पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और गेमिंग वगैरह के लिए 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहां पर टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है। तो डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों यहां पर आपको बजट के हिसाब से अच्छी मिल जाती है, उसमें आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 695 का एक तगड़ा सा पावरफुल गेमिंग चिपसेट, जो कि आपको यहां पर डेली टास्क वगैरह तो अच्छी कराता ही है, साथ में आपको यहां पर इस बजट के हिसाब से गेमिंग भी काफी तगड़ी करा देता है। साथ ही में फोन के अंदर आपको यहां पर 4-लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है, जिससे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेटर मिलती है। साथ ही LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको यहां पर मिल जाता है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहां पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें, तो बैक साइड में आपको यहां पर 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जहां पर 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, जो कि आपको यहां पर मीडियम यूजिंग पर एक दिन का बैकअप बहुत आराम से दे देती है, सो बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहां पर अच्छा मिल जाता है। सो बेसिकली गाइस, अगर आपको गेमिंग के लिए कोई अच्छा फोन लेना है, तो डेफिनेटली आपके लिए इससे बेटर ऑप्शन इस बजट में नहीं मिलने वाला है। अगर स्मार्टफोन की प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे पूरे के पूरे 16,000 रुपए। और अगर आप यहाँ पर स्मार्टफोन को सेल वगैरह में परचेस करते हैं, तो ये स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज की प्राइस पर आपको मिल जाता है। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है गाइस, तो आप इस फोन की तरफ भी जा सकते हैं। और फाइनली दोस्तों, हमने आप सभी के लिए यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा स्मार्टफोन रखा हुआ है, और गाइज इस स्मार्टफोन के अंदर आपको लगभग सारी ही खूबियां देखने को मिल जाती हैं। गाइज ये फोन है यहाँ पर Motorola का G71 5G। बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और लुक्स के बारे में, तो ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको यहाँ पर टिपिकल डिजाइन ही देखने को मिलने वाला है Motorola का, तो डिजाइन के मामले में आपको यहाँ पर कोई खास चेंजेस नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको हल्का फुल्का वाटरप्रूफ देखने को मिल जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है।
और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ और सिर्फ 179 ग्राम का मिलेगा, जिसका मतलब लाइट वेट है लेकिन हल्का सा मोटा है। 8.5 मिलीमीटर थिकनेस के साथ में आता है, तो इन हैंड फीलिंग में भी आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आएगी। और हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं फोन के डिस्प्ले की तरफ। तो फोन के अंदर हमें यहाँ पर 6.4 इंचेस की डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि फुल एचडी प्लस के साथ में आती है, और इसके अलावा एमोलेड की पैनल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस और कलर्स वगैरह काफी अच्छे मिलने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन तो दिया गया है, लेकिन मोटोरोला की तरफ से बताया नहीं गया कि हमें यहाँ पर कौन से टाइप का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर बात की जाए गेमिंग की, तो नॉर्मल 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, साथ में 120 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगी। तो गेमिंग के लिए यहाँ पर उतनी अच्छी डिस्प्ले तो नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले काफी अच्छी है। डिस्प्ले के मामले में आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आएगी। चलिए बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो बैक में आपको यहाँ पर तीन कैमरा मिलने वाले हैं, जहाँ पर मेन कैमरा दिया गया 50 मेगापिक्सल का, साथ में आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। वहीं पर अगर बात कर ले सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी के लिए आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो कैमरा सेटअप आपको अच्छा मिल जाता है। मोटोरोला की जो कैमरा आउटपुट की ट्यूनिंग होती है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर नेचुरल मिलती है, तो आपको यहाँ पर नेचुरल आउटपुट भी मिल जाएंगे। साथ ही आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल एचडी तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30fps पर, और इसके अलावा बैक कैमरा से आप यहाँ पर 60fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है, और देखा जाए और चिपसेट के हिसाब से तो आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आपने बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया, तो 30 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। तो बैटरी मॉड्यूल भी आपको काफी अच्छा दिया गया है, बैटरी मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगा, क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का एक 5G चिपसेट, जो कि यहाँ पर 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर हीटिंग के इश्यूज काफी कम मिलने वाले हैं, साथ में आपको यहाँ पर बैटरी एफिशिएंसी काफी अच्छी मिल जाएगी, और इसके अलावा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी निकाल कर देता है। अगर बात करें ऑनटू स्कोर की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लगभग 4 लाख के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप यहाँ पर ये तो समझ चुके होंगे कि परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। और हाँ दोस्तों, ये जो चिपसेट है, ये आपको यहाँ पर वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग में भी काफी हेल्प कर देगा, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस और गेमिंग वगैरह में कोई शिकायत नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको सुपर एमोलेड की पैनल भी मिल रही है, 13 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 जैसा पावरफुल चिपसेट भी आपको देखने को मिल जाता है। सो देखा जाए तो यार, ये एक अल्टीमेट ऑलराउंडर टाइप का फोन है, चाहे तो यार आप स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे लगभग 15,999 रुपये, बट दोस्तों बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है 15,000 रुपये के अंदर। तो चाहे तो आप यार स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। सो गाइज, ये थे वो टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन जो कि आपको इस समय मिल जाते हैं लगभग 15,000 से 16,000 रुपये के अंदर, और सभी के सभी काफ़ी कमाल के फ़ोन हैं। तो चाहे तो आप इन स्मार्टफोन में से किसी को भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी के दोस्तों बेस्ट बाय लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।